हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंजरीज ऑफ द फोरआर्म एंड रिस्ट के बारे में। फ्रैक्चर्स ऑफ द फोरआर्म बोन्स, कॉमनली रेडियस और अल्ना जो है वो हमेशा साथ में फ्रैक्चर्ड होते हैं, इसीलिए हम उसे फ्रैक्चर ऑफ बोथ बोन्स ऑफ द फोरआर्म बोलते हैं। समटाइम्स दोनों में से कोई एक बोन भी फ्रैक्चर हो सकता है विदाउट डिस्प्लेसमेंट। ये फ्रैक्चर जो है वो गिरने की वजह से जब इनडायरेक्ट फोर्स लगता है तभी हो सकता है, या फिर डायरेक्ट फोर्स जैसे कि लाठी बिलो टू द फोरआर्म की वजह से भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट, चिल्ड्रन में ये फ्रैक्चर जो है वो अनडिस्प्लेस्ड होता है और मिनिमली डिस्प्लेस्ड हो सकता है, जिसे हम ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर भी बोलते हैं, बट अडल्ट्स में डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। ट्रीटमेंट, ज़्यादातर केसेस में कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट जो है वो सफिशिएंट होगा। अगर फ्रैक्चर अडल्ट में हुआ है और वो भी डिस्प्लेस्ड है तो हमें ऑपरेटिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में हम क्लोज रिडक्शन करेंगे बाय मैनिपुलेशन अंडर जनरल एनेस्थीसिया, एंड डिमोबिलाइजेशन के लिए हम अबाव एल्बो प्लास्टर कास्ट प्रोवाइड करेंगे। कॉम्प्लिकेशन में इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है अगर ओपन फ्रैक्चर है तो, वॉल्कमैन्स इस्टेमिया हो सकता है, डिलेड यूनियन एंड नॉन यूनियन हो सकता है, माल यूनियन हो सकता है, या फिर तो क्रॉस यूनियन हो सकता है। मोंटेजिया फ्रैक्चर डिसलोकेशन, इसमें अपर वन थर्ड ऑफ द अल्ना का फ्रैक्चर होता है और हेड ऑफ द रेडियस का डिसलोकेशन होता है। ये तब होगा जब कोई भी पर्सन जो है वो आउटस्ट्रेच्ड हैंड से फॉल हुआ हो। टाइप्स, इसे हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एंगुलेशन ऑफ द अल्ना फ्रैक्चर, एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन टाइप। एक्सटेंशन टाइप जो है वो कॉमन होता है, जहाँ पर अल्ना का जो फ्रैक्चर है वो एंगुलेटेड होता है एंटीरियरली, एंड रेडियस का जो हेड है वो भी एंटीरियरली डिसलोकेट होता है। फ्लेक्शन टाइप में अल्ना फ्रैक्चर जो होता है वो एंगुलेट होता है पोस्टीरियरली, एंड रेडियस का जो हेड है वो भी डिसलोकेट होता है पोस्टीरियरली। डायग्नोसिस में हम एक्सरे करवाएंगे और अगर हम उसे केयरफुली देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि अल्ना का आइसोलेटेड फ्रैक्चर हुआ है अपर हाफ में, एंड हेड ऑफ द रेडियस जो है वो डिसलोकेट हुआ है। ट्रीटमेंट में हम क्लोज रिडक्शन करवाएंगे अंडर जनरल एनेस्थीसिया। अगर रिडक्शन सक्सेसफुली हो गया है तो हम वीकली एक्सरे करवाएंगे और देखेंगे कि फ्रैक्चर जो है वो ठीक तरीके से रिड्यूस्ड है या नहीं, और जहां पर रिडक्शन पॉसिबल नहीं होगा वहां पे हम ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन करेंगे, जिसमें हम प्लेट का यूज करेंगे। रेडियस का जो हेड है वो ऑटोमेटिकली उसकी जगह पर चला जाएगा जब अल्ना का फ्रैक्चर जो है वो ठीक हो जाएगा। कॉम्प्लिकेशंस, अगर हम कंजर्वेटिव मेथड से ट्रीट कर रहे हैं तो माल यूनियन के चांसेस रहेंगे। अगर फ्रैक्चर की वजह से डिफॉर्मिटी फॉर्म हुई है तो फोरआर्म और एल्बो की जो मूवमेंट है वो लिमिट हो जाएगी। गैलेजी फ्रैक्चर डिसलोकेशन, यहाँ पर फ्रैक्चर जो है वो लोअर थर्ड ऑफ द रेडियस का हो रहा है, एंड साथ ही साथ डिसलोकेशन और सबलक्जेशन हो रहा है डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट का। ये तब होगा जब कोई भी पर्सन जो है वो आउटस्ट्रेच्ड हैंड से फॉल करे। डिस्प्लेसमेंट में रेडियस का जो फ्रैक्चर है वो एंगुलेट होगा मीडियली एंड एंटीरियरली, डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट का डिस्ट्रप्शन हो जाएगा और इसकी वजह से डोर्सल डिसलोकेशन होगा डिस्टल एंड ऑफ द अल्ना का। डायग्नोसिस में हम एक्सरे करवाएंगे और अगर उसे केयरफुली देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि there is isolated fracture of distal half of the radius, और साथ ही साथ dislocation या फिर तो subluxation देखने को मिलेगा distal radio ulnar joint का। ट्रीटमेंट, चिल्ड्रन में हम कंजर्वेटिव मेथड का यूज करेंगे, अडल्ट्स में हम ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन करेंगे जिसमें हम रेडियस को फिक्सेट करेंगे प्लेट की हेल्प से। डिसलोकेटेड रेडियो अल्नर जॉइंट जो है वो ऑटोमेटिकली उसकी जगह पर आ जाएगा, या फिर तो उसके लिए भी हमें ओपन रिडक्शन करना पड़ सकता है। कॉम्प्लिकेशन में हमें माल यूनियन देखने को मिल सकता है और अगर इसकी वजह से कोई भी डिफॉर्मिटी हुई है तो सुपिनेशन और प्रोनेशन करने में लिमिटेशन होगी। कॉलिस फ्रैक्चर, इसमें डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस का फ्रैक्चर होता है। ये फ्रैक्चर जो है वो कॉमनली अबव 40 इयर्स की एज की जो वुमेन होती है उसमें देखने को मिलता है। इट इज बिकॉज ऑफ द पोस्ट मेनोपोजियल ऑस्टियोपोरोसिस, ये आउटस्ट्रेच्ड हैंड पर फॉल होने की वजह से हो सकता है। पैथोएनाटॉमी, डिस्प्लेसमेंट, फ्रैक्चर की लाइन जो है वो ट्रांसवर्सली रन करेगी। मेजोरिटी ऑफ द केसेस में डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा, फ्यू केसेस में क्रैक होगी विदाउट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट सीन इन कॉलिस फ्रैक्चर, डोर्सल डिस्प्लेसमेंट, डोर्सल टिल्ट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल टिल्ट, सुपिनेशन। सम ऑफ द फॉलोइंग इंजरीज जो कि कॉमनली एसोसिएटेड है कॉलिस फ्रैक्चर से, फ्रैक्चर ऑफ द स्टाइलोइड प्रोसेस ऑफ द अल्ना, रप्चर ऑफ द अल्नार कोलेट्रल लिगामेंट, रप्चर ऑफ द ट्रायंगुलर कार्टिलेज ऑफ द अल्ना, रप्चर ऑफ द इंटरोशियस रेडियो अल्नार लिगामेंट कॉजिंग रेडियो अल्नार सबलक्जेशन। डायग्नोसिस इन दैट क्लिनिकल फीचर्स, इसमें हमें पेन,
स्वेलिंग एंड डिफॉर्मिटी ऑफ द रिस्ट देखने को मिलेगा। एग्जामिनेशन में हमें टेंडरनेस देखने को मिलेगी एंड लोअर एंड ऑफ द रेडियस की इरेगुलरिटी देखने को मिलेगी। इसे हम डिनर फॉक डिफॉर्मिटी भी बोलते हैं। रेडियल स्टाइलॉइड प्रोसेस जो है वो अल्नार स्टाइलॉइड प्रोसेस के सेम लेवल पर आ जाएगा या फिर तो थोड़ा सा हायर हो जाएगा। रेडियोलॉजिकल फीचर्स को डिटेक्ट करने के लिए हम एक्सरे करवाएंगे लेटरल व्यू में या फिर तो एंट्रोपोस्टीरियर व्यू में। ट्रीटमेंट में अगर फ्रैक्चर जो है वो अनडिस्प्लेस्ड है तो हम इमोबिलाइजेशन प्रोवाइड करेंगे बिलो एल्बो प्लास्टर कास्ट की हेल्प से फॉर 6 वीक्स। अगर फ्रैक्चर डिस्प्लेस्ड है तो हम मैनिपुलेटिव रिडक्शन करेंगे और उसके बाद इमोबिलाइजेशन प्रोवाइड करेंगे। कॉम्प्लिकेशन में हमें स्टिफनेस ऑफ द जॉइंट देखने को मिल सकता है, माल यूनियन देखने को मिल सकता है, सबलक्सेशन ऑफ इन्फीरियर रेडियो अल्नार जॉइंट देखने को मिल सकता है, कार्पल टनल सिंड्रोम दिख सकता है, शियोडेक्स ऑस्टियोडिस्ट्रोफी देखने को मिल सकता है एंड एक्सटेंसर पोलाइसिस लॉन्गस टेंडन का रप्चर हो सकता है। स्मिथ फ्रैक्चर, इसे हम रिवर्स ऑफ कॉलिस फ्रैक्चर भी बोल सकते हैं, ये अनकॉमन फ्रैक्चर है और ये यूजुअली अडल्ट में या फिर तो एल्डरली पीपल में देखने को मिलता है। स्मिथ फ्रैक्चर में डिस्टल फ्रैगमेंट जो है वो डिस्प्लेस हो रहे होंगे वेंट्रली एंड टिल्ट हो रहे होंगे वेंट्रली। ट्रीटमेंट में हम क्लोज रिडक्शन करेंगे और इमोबिलाइजेशन प्रोवाइड करेंगे प्लास्टर कास्ट की हेल्प से फॉर 6 वीक्स। कॉम्प्लिकेशंस जो है वो कॉलिस फ्रैक्चर जैसे ही रहेंगे। बार्टोन्स फ्रैक्चर जो है वो इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर है जो कि डिस्टल रेडियस पर देखने को मिलता है। ये फ्रैक्चर जो है वो एक्सटेंड होगा आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द रेडियस से लेकर कॉर्टेक्स तक। ये एंटीरियरली भी हो सकता है और पोस्टीरियरली भी हो सकता है। स्मॉल डिस्टल फ्रैगमेंट जो है वो डिस्प्लेस्ड हो जाएंगे और कैरी हो जाएंगे विद इन द कार्पल्स। डिपेंडिंग अपॉन द डिस्प्लेसमेंट देयर इज वॉलर बार्टोन्स फ्रैक्चर जिसे हम एंटीरियर टाइप बोलते हैं, डोर्सल बार्टोन्स फ्रैक्चर जिसे हम पोस्टीरियर टाइप बोलते हैं। ट्रीटमेंट में हम क्लोज मैनिपुलेशन एंड प्लास्टर कास्ट प्रोवाइड करेंगे। जहां पर क्लोज रिडक्शन नहीं हो सकता वहां पे हम ओपन रिडक्शन और इंटरनल फिक्सेशन करेंगे प्लेट की हेल्प से। स्कैफोइड फ्रैक्चर जो है वो कॉमनली यंग अडल्ट में देखने को मिलता है, चिल्ड्रंस एंड इन अडल्ट पीपल में ये रेयरली देखने को मिलता है। कॉमनली ये फ्रैक्चर जो है वो वेस्ट ऑफ द स्कैफोइड पर देखने को मिलता है, रेयरली ट्यूबरोसिटी पर हो सकता है। इसमें क्रैक फ्रैक्चर हो सकता है या फिर तो डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर हो सकता है। डायग्नोसिस दो तरह से हो सकता है, क्लिनिकल फीचर्स एंड रेडियोलॉजिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स में हमें पेन देखने को मिलेगा, स्वेलिंग देखने को मिलेगी और हिस्ट्री होगी कि पेशेंट जो है वो आउटस्ट्रेच हैंड से फॉल हुआ है। एग्जामिनेशन में हमें टेंडरनेस देखने को मिलेगी स्कैफोइड फोसा पर जिसे हम एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स बोलते हैं। रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन में हम एक्सरे करवाएंगे ऑब्लिक व्यू में, एंट्रोपोस्टीरियर व्यू या फिर तो लेटरल व्यू का। कई बार ऐसा हो सकता है कि क्रैक फ्रैक्चर है पर एक्सरे पर विजिबल नहीं है, तो ऐसे केसेस में हमें एक्सरे 2 वीक्स के बाद करवाना चाहिए। ट्रीटमेंट, इसमें हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। अफेक्टेड हैंड को हम इमोबिलाइज करेंगे स्कैफोल्ड कास्ट की हेल्प से फॉर 3 to 4 मंथ्स। अगर एक्सरे पर क्रैक विजिबल नहीं है लेकिन क्लिनिकल फीचर सारे प्रेजेंट है तो हम स्कैफोल्ड कास्ट प्रोवाइड करेंगे 2 वीक्स के लिए। आफ्टर 2 वीक्स हम एक्सरे करवाएंगे और फ्रैक्चर जो है वो विजिबल हो सकता है इस स्टेज पर। आफ्टर 2 वीक्स अगर फ्रैक्चर विजिबल नहीं है तो कोई भी ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। स्कैफोल्ड कास्ट जो है वो एक्सटेंड करेगी बिलो एल्बो से लेकर मेटाकार्पल हेड तक और साथ ही साथ इसमें इंक्लूड होगा थंब अप टू द इंटरफेलेंजियल जॉइंट। और वेस्ट को हम मेंटेन करेंगे लिटिल डॉर्सिफ्लेक्शन और रेडियल डेविएशन में जैसे कि ग्लास होल्डिंग पोजीशन में होता है। और अगर फ्रैक्चर वाइडली डिस्प्लेस्ड है तो हम इसमें ओपन रिडक्शन और इंटरनल फिक्सेशन करेंगे और इसमें हम स्क्रू का यूज करेंगे। कॉम्प्लिकेशंस में एवास्क्यूलर नेक्रोसिस हो सकता है, डिलेड एंड नॉन यूनियन हो सकता है, रिस्ट ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, ल्यूनेट डिसलोकेशन, ये रेयर डिसलोकेशन है जो कि रिस्ट में होता है और ये दो तरह से हो सकता है, ल्यूनेट डिसलोकेशन एंड प्री ल्यूनेट डिसलोकेशन। ल्यूनेट डिसलोकेशन में ल्यूनेट बोन जो है वो एंटीरियरली डिसलोकेट हो जाएगा, बाकी सारे कार्पल्स बोन जो है वो उसकी पोजिशन पर ही रहेंगे। इन प्री ल्यूनेट डिसलोकेशन ल्यूनेट बोन जो है वो अपनी जगह पर ही रहेगा, बाकी सारे कार्पल्स बोन जो है वो डॉर्सली डिसलोकेट हो जाएंगे। ट्रीटमेंट में हम यूजुअली ओपन रिडक्शन परफॉर्म करते हैं। कॉम्प्लिकेशंस में रिस्ट की जो मूवमेंट है वो लॉस हो जाएगी और एवास्क्यूलर नेक्रोसिस हो सकता है।